Be awake to cricket's hustle and bustle with Rami Speaks, brought to you by Lipton Yellow Lip. Pakistani fans jo do ek din pehle nihayat tash mein the Pakistan ki haar pe, ab sawal pooch rahe hain ki kya abhi bhi koi chance bacha hai Pakistan team ke liye ki top 4 mein aa saken. So agar Pakistan cricket apne fans se ye sawal kar rahi hai ki bhai sahab aap logon ka hame pata nahi chalta, ya to social media pe hamari aapne ऐसी तैसी करके रख दी, हमारी पतलून उतार दी और आप फिर से हमारे साथ खड़े हैं, तो ये एक जायज सवाल होगा. मगर बेचारे फैंस ऐसे ही होते हैं, इमोशनल होते हैं, छोटे छोटे दिल होते हैं, इनकी छोटी छोटी खुशियां होती हैं. और देखिए कि फिर से संभल गए और आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं. सो पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं? पतले चांसेस हैं, इसलिए कि एक तो नेट रन रेट बहुत ही नीचे है, कमजोर है. दूसरा, सारे मैचेस इनको जीतने हैं वाइड मार्जिन से अपना नेट रन रेट इंप्रूव करने के लिए. और फिर सोने पे सुहागा कि जो टॉप फोर की टीम्स है उनको हारना है और वाइड मार्जिन से हारना है कि पाकिस्तान स्नीक थ्रू कर सके. सो मुश्किल काम है मगर इम्पॉसिबल नहीं है. और हमें पता है कि पाकिस्तान टीम जब वॉल के अगेंस्ट होती है, जब इनको परफॉर्मेंसेस करनी ही पड़ती हैं, तो तब अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं. सो उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते हैं क्या होता है. मगर सोच जो है वो पॉजिटिव रखनी है पाकिस्तान को, और वन स्टेप एट अ टाइम की तर्ज के ऊपर जो है ये चैलेंज जो है ये एक्सेप्ट करना है. और अगला मैच उसके लिए स्ट्रैटेजी, उसको कैसे जीतना है, जीतें और वाइड मार्जिन से जीतें, इस वक्त ये सोचना है. तोड़फोड़ भी सुना है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में शुरू हो गई है. ये एक नेचुरल फिनोमेना है बाय द वे, इसलिए कि वर्ल्ड कप की स्टेज के ऊपर आप जब मैच हारना शुरू करते हैं और वो भी जब आप भारत से पिट जाते हैं, तो फिर उंगलियां एक दूसरे पे उठती हैं ड्रेसिंग रूम में. क्योंकि मैं तो ठीक था, आप अपनी परफॉर्मेंस को जब एनालाइज करते हैं और सोचते हैं कि मेरी जो अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई वो मेरी गलती नहीं है, वो दूसरे की वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा होता है. मगर जो अच्छी स्ट्रांग टीम्स हैं, स्ट्रांग टीम कल्चर जो रखती हैं ड्रेसिंग रूम में, इस पे जल्दी से काबू पाने की कोशिश करती है. और अभी करना भी ये पड़ेगा पाकिस्तान के थिंक टैंक को, इकट्ठा करना है इनको, एक पेज पे लेके आना है, प्रैक्टिस सेशंस की तरफ लेके जाना है, जो चीजें हुई उसको भुला देने की हिदायत, जो हम कर सकते हैं, हमारे पॉजिटिव्स, हमारी स्ट्रेंथ्स, उसके ऊपर जो है वो ज़हन रखना और एक दूसरे की हेल्प करना. बॉन्डिंग सेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और एक ही तरह से सोच और प्रैक्टिस सेशंस को, जैसे मैंने कहा कि उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो, जीत के ऊपर तवज्जो, फैंस के लिए खेलना, मुल्क के लिए खेलना. और एक चीज इनको बिल्कुल साफ साफ बता देनी चाहिए कि होता यह है कि जब आप हारते हैं तो एक सेल्फिश स्ट्रीक भी डेवलप हो जाती है कि अगले मैच में मैं कर लूं, मेरी वाह वाह हो जाए, टीम जीतती है या ना जीते उसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि अब सिचुएशन जो है वो बड़ी मुश्किल होगी. मगर आप याद रखें कि जब भी आप में ये सेल्फिश स्ट्रीक आएगी आपको भी मार पड़ेगी. और यही बताना है थिंक टैंक को कि हम जीतेंगे तो सबकी वाह वाह होगी, हम हारेंगे तो एक दो जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उनकी वाह वाह नहीं होगी, वो भी हमारे साथ सबके साथ डूबेंगे. तो पाकिस्तान के सब प्लेयर्स को यह समझना है कि जीतने में ही जो है वो बचत है, जीतने में ही इज्जत है. और सेल्फिशनेस जो आने का एक खतरा है उसको जो है वो खत्म करना है और जीत की सिर्फ ध्यान देना है. अभी भी आउटसाइड चांस है पाकिस्तान के पास कि शायद किसी ना किसी तरह से ये टॉप फोर में आ जाए. मुश्किल, बहुत मुश्किल काम, बट पॉसिबल है. Shot that before. Ramiz Raja judged that beautifully. Pakistan win the World.